प्रधानमंत्री का धर्म क्या है? नारी का सम्मान? स्मृति ईरानी जी को आपने क्या कहा? और प्रधानमंत्री पे कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। भारत के इतिहास का सबसे कायर प्रधानमंत्री। आरएसएस वो नहीं है जो सत्ता बनने के बाद ये बताने लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है। आदर्श है मेरे नाथूराम गोडसे जी। हत्यारा कोई भी हो, गोडसे हो। अरे दुष्टों की हत्या करना। महाराज जी थोड़ा ठंडे हो जाएं आप पहले तो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आज हम पहुंचे हैं डासना में यति महाराज जी को हमने पहले भी कवर किया। यति महाराज जी को पहले तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। बधाई हो साहब आपको महामंडलेश्वर बनाने की, तो आप पे जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, तो पहले सबसे पहले बधाई और बधाई के बाद आप अपने महामंडलेश्वर होने के बाद जिम्मेदारियों के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए आप बधाई देने आए हैं। बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन महामंडलेश्वर बनने में मेरा अपना कोई योगदान नहीं है जी। मुझे मेरे देखिए आज तक के महामंडलेश्वर जितने भी लोग महामंडलेश्वर बने हैं, इस पद तक पहुँचे हैं, या तो वो व्यक्तिगत अपने तप के कारण पहुँचे हैं, या अपने ज्ञान के कारण पहुँचे हैं, या अपनी साधना के कारण पहुँचे हैं। मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जो केवल संघर्ष के कारण इस पद तक पहुँचा है। मुझे ना तो मैं तपस्वी हूँ, ना ही मैं साधक हूँ, और ना ही मैं ज्ञानी हूँ। ये तीनों चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, केवल एक संघर्ष है। मैंने सनातन के लिए संघर्ष किया। जो व्यक्ति तप करता है, जो व्यक्ति साधना करता है और जो व्यक्ति ज्ञानी है, ये उनका व्यक्तिगत पुरुषार्थ होता है। आप अपने ज्ञान को अपने आप अर्जित करते हैं गुरु की कृपा से, गुरु के कारण, या स्वाध्याय से, अध्ययन से, मनन से, चिंतन से। साधना आपको खुद करनी पड़ती है, तपस्या आपको खुद करनी पड़ती है। ये व्यक्तिगत प्रयास होता है। लेकिन जो संघर्ष होता है, संघर्ष किसी व्यक्ति का अकेले कभी भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति संघर्ष करने चलता है उसके साथ हजारों लोग होते हैं। एक नरसिंहानंद दिखाई देने के लिए पता नहीं कितनी चेतना शर्माओं को मिटकर चेतनानंद सरस्वती बनना पड़ता है, कितने अनिल यादव छोटे नरसिंहानंद बन जाते हैं, कितने अक्षय त्यागी, नीरज त्यागी, डॉक्टर उदिता त्यागी, कितने लोग होते हैं जो संघर्ष में हमारे साथ होते हैं। अनगिनत नाम है, मेरे से कुछ 3-4 नाम निकले हैं और सोशल मीडिया पर भी आप देखते होंगे, विशाल है, शुभम है, अभिषेक है, बहुत सारे अनगिनत लड़के हैं जिन्होंने अपनी सारी ऊर्जा हमारे साथ लगाई है जी। और पता नहीं कितने लोगों ने संघर्ष में हमारा साथ दिया है। तो मेरा महामंडलेश्वर बनना मेरे अकेले का महामंडलेश्वर बनना नहीं है, इन सारे लोग जिनकी संख्या लाखों में है, इन सब का महामंडलेश्वर बनना है। तो आज जिम्मेदारी लगती है। अच्छा, महामंडलेश्वर बनना, आपने खुद कहा मुझे ज्ञान नहीं है, मैं महामंडलेश्वर बनने मतलब योग्यता नहीं है। आपने 10 चीजें गिनवा दी कि महामंडलेश्वर बनने वाली योग्यता ही नहीं। वाणी के कारण बन गया आप, कि आप बिल्कुल कठोर बोलते हैं, इस कारण से आपको कहीं साधुओं के अंदर ये डर था कि कोई ना कोई हमारी बात रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है। देखिए, एक जो मैं बोलता रहा, जिस समस्या की तरफ मैं ध्यान दिलाता रहा, बहुत दिनों तक धार्मिक जगत ने उस समस्या से आंख मूंदने का प्रयास किया था। सबकी बहुत बहुत मजबूरियां थी। देखिए, साधुओं ने बहुत अपने आप को पिछले समय में अकेला महसूस किया है। साधुओं की हत्याएं होती हैं। अभी हमारे नरेंद्र गिरी जी महाराज जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हुई और आत्महत्या करार दी गई। कोई बोला नहीं। इतने शक्तिशाली साधु, कोई बोला नहीं। तो हत्या में भी तो उनके शिष्य का ही रोल पाया जा रहा है, जो मतलब माना जा रहा है। अभी क्या हुआ, मैं आपको अपने साथ हुई घटना को बताता हूँ। 9 अगस्त की रात को यहाँ पर एक साधु का को काट दिया गया। यहाँ 22 पुलिस वाले सोए हुए थे। यहाँ बिल्कुल सामने जहाँ साधु को काटा गया था, 5 मीटर की दूरी पर पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए थी। ड्यूटी है ऑफिशियली केवल 5 मीटर की दूरी पर, और 5 मीटर की दूरी पर कांस्टेबल को होना चाहिए था, और उससे अलग 5 मीटर की दूरी पर 3 कांस्टेबल थे। पूरे मंदिर कैंपस में 22 कांस्टेबल थे। हमारे साधु को काटा गया, साधु चिल्लाता हुआ पुलिस के पास भागा। पुलिस ने कमरे से धक्का देकर कांस्टेबल ने उसे निकाल दिया। आज पुलिस उस हत्या को हमी पर, उस मतलब हत्या नहीं हुई थी, बच गए थे वो, उस अपराध को हमी सब हमारे किसी आदमी पर थोपना चाहती है।
फिर सुरक्षा किस बात की? पता नहीं, ये तो उनसे पूछना चाहिए ना, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है ना। आज पत्रकार भी नहीं पूछते ना उनसे जाके कि भाई 22 पुलिस वाले होते हुए एक साधु वहां कट गया, सीसीटीवी कैमरे में सारी फुटेज आई, अब तुम केवल झूठ बोल रहे हो। पुलिस वाले कह रहे थे सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे। अरे जितना दिखाई दिया उतने में काम, आंखें तो काम कर रही थी। नहीं, उनकी आंखें काम नहीं कर रही थी, उनकी आंखें जो है शराब पी के, और वो एक षड्यंत्र था। ऐसी प्रमाइसेस पे शराब पी के, शराब पी के ऐसी, ये पुलिस वाले यही करते हैं भाई। अच्छा। यही करते हैं, सो जाते हैं शराब पी के, शराब पी के सो जाते हैं यहाँ पे। और वो देखिए, मुझे तो लगता है ये बहुत गहन षड्यंत्र था। स्वामी नरेशानंद जी वो बिहार से आए हुए थे, अगर वो उस दिन यहाँ मारे जाते तो मैं आपको जेल में मिलता। तो इस तरह के षड्यंत्र होते हैं हम लोगों के खिलाफ, कोई बोलने वाला नहीं होता। तो जरूरी नहीं कि नरेंद्र गिरी जी के शिष्य ने, वो तो है कि अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो उनका शिष्य जिम्मेदार है, लेकिन हत्या की है तो शिष्य तो बैठा हुआ था हरिद्वार में, वो थे प्रयागराज में, तो हत्या का तो वो जिम्मेदार नहीं है ना। और आत्महत्या उन्होंने नहीं की है, ये मैं आपको हरीश जी बताता हूँ। उन्होंने आत्महत्या, वो इतने मजबूत व्यक्ति थे, एक बहुत जमीन से उठा हुआ व्यक्ति, संघर्ष की पैदावार, इतने जबरदस्त उन्होंने उन्नति की, यहां तक पहुंचे, अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष, भारत के सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरुओं में से एक मानिए। उन्हें आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हत्या हुई उनकी, लेकिन कोई बोल भी नहीं पाया। पुलिस वालों के बीच आप सुरक्षित नहीं मान रहे हो? 20-20, 22-22 लोग आप पे सुबह शाम, 22 लोग शाम को, 22 लोग सुबह आपके, आपकी सुरक्षा में लगे हैं, फिर भी आप सुरक्षित नहीं? मैं तो सुरक्षित हूँ, मैं तो सुरक्षित हूँ भाई, मैं औरों की बता रहा हूँ, मैं तो सुरक्षित हूँ। नरेशानंद जी मर गए थे, नरेशानंद जी को काट दिया, वो अलग बात है, मरने के घायल हुए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो सुरक्षित, मैं कभी, मैं तो निर्भय हूँ भाई, मैं तो कभी डरा ही नहीं आज तक, आप कभी डरते हुए देखोगे नहीं। मैं अकेला भी रहूंगा, ये 22 पुलिस वाले नहीं होंगे, मेरे बच्चे नहीं होंगे, मैं, और देखिए मैं पुलिस वालों के कारण जीवित नहीं हूँ। यहाँ जब भी मुसलमान हमलावर आए, पुलिस ने कभी नहीं रोका, वो तो अंदर तक आ गए। यहाँ आपने धर्मांतरण गिरोह के बारे में सुना होगा, वो सारे के सारे लोग यही मुझे मारने ही तो आए थे, जो ये धर्मांतरण गिरोह, फिर योगी जी ने पूरा गिरोह खोला, योगी जी ने व्यक्तिगत प्रयास करके उस गिरोह की सच्चाई को दुनिया के सामने लाए, योगी जी वो मेरी हत्या करने के, तो उसे पुलिस वालों ने थोड़ी रोका था। पुलिस वाले यहाँ रोकते हैं जो बेचारे हिंदू आते हैं। अब हिंदू आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू आया, पति पत्नी आए, उनके 3-4 साल के बच्चे हैं, अब बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, तो उन बच्चों को रोक लेते हैं, कहते हैं कि माता पिता अंदर दर्शन करने आओ, बच्चे यहीं खड़े रहने दो, मतलब 5-6 साल के बच्चों को यहीं खड़े रहने दो। तो पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं, आतंकवादियों को, मुसलमानों को, जिहादियों को पुलिस वाले कभी नहीं रोकते हैं, उन्हें मेरे शिष्य पकड़ते हैं, और अगर मेरे शिष्य भी मेरा साथ नहीं छोड़ देंगे तो अभी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं सनातनी हूं। अच्छा, महामंडलेश्वर आप बन गए जी, अब तो कुछ ना कुछ वाणी में कुछ ना कुछ तो विराम और लगना चाहिए। कठोरता और कठोर हो गए हो, इसका कारण है। अच्छा। मुझे मेरे काम के लिए महामंडलेश्वर बनाया है। मैं अभी अनुराग से कहूंगा, मेरा जो सहायक है वो आपको जो है, जो हमारे हरिगिरी जी महाराज जी, जो मेरे गुरु महाराज हैं जूना अखाड़े में, उन्होंने जो मुझे आदेश दिया है वो वीडियो आपको भेजेंगे। उन्होंने कहीं भी ये नहीं किया कि जूना अखाड़ा मुझे कोई अपनी जिम्मेदारी दे रहा है, उन्होंने कहा है कि जूना अखाड़ा मेरे काम में मेरे साथ है, तन मन धन से। उन्होंने कहा लिख कर देंगे कि हम स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी के साथ हैं, वो जो करेंगे हम उनका साथ देंगे, ये उन्होंने कहा है। तो मेरी ये जिम्मेदारी आ जाती है कि अभी जो मैं केवल बोल रहा था, अब मैं सारी बातों को जमीन पर उतारूं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर बनने के बाद एक बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़ी शक्ति मुझे प्राप्त हुई है, मैं उस शक्ति का सदुपयोग करूं, और जो मेरी योजनाएं थी। नारी का सम्मान, नारी का सम्मान तो मैं करता ही हूं। कहां करा, कहां नहीं करा? आपके पुराने इंटरव्यू में स्मृति ईरानी जी को आपने क्या कहा? अब जो कहा वो आज भी वही कहूंगा, नहीं बदल जाऊंगा। आप बोलिए बोलिए, आप क्या बोला आपने? आप पूछिए। स्मृति ईरानी जी आज इस मुकाम पे हैं, आपने उस मुकाम पे क्वेश्चन मार्क किया। देखिए, मैं स्मृति ईरानी जी के मुकाम पर क्वेश्चन मार्क नहीं किया, उस रास्ते पर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ जो रास्ता महिलाएं अपना लेती हैं आगे बढ़ने के लिए। मतलब आप मैं आपको फिर रोक रहा हूँ, सोचने का मौका दे रहा हूँ आपको फिर से। मुझे सोचना नहीं, आपको इसलिए दे रहा हूँ, स्मृति ईरानी जी के और सुनिए इरादे, रास्ते, और प्रधानमंत्री पे कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री पे मैं क्यों क्वेश्चन मार्क करूंगा, उस पर तो बहुत बड़ा इतिहास क्वेश्चन मार्क लगाएगा, तो उनकी टीम है, उस पर तो इतिहास क्वेश्चन मार्क लगाएगा। भारत के इतिहास का सबसे कायर प्रधानमंत्री, उस पर इतिहास क्वेश्चन मार्क लगाएगा, मुझे लगाने की क्या जरूरत है? आज पाकिस्तान के, देखो भारत में पटाखे छूट रहे हैं ना, आज पाकिस्तान से भारत हारा, भारत में पटाखे छूट रहे हैं ना। अरे भारत में आप ये बताओ, हरीश जी पटाखे छूट रहे हैं कि नहीं छूट रहे? पटाखे छूटना, देखिए, और देखिए शेख राशिद ने क्या कहा। हाँ जी, शेख राशिद ने कहा ये इस्लाम की जीत है, और भारत का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान के साथ। ये अज्ञानी काम नहीं, नहीं, ये अज्ञानी नहीं, ये ज्ञानी है, शेख राशिद ज्ञानी है, अज्ञानी वो है जो उसकी बात को झूठ बता रहे हैं। शेख राशिद ने सच बोला, ये इतिहास प्रूव करेगा। आप समय देखिए ना, शेख राशिद ने कुछ भी झूठ नहीं बोला है, वो तो हम उसे मानना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम उसे मान लेंगे तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हमें कुछ करना नहीं है, केवल बातें बनानी है, केवल जुमले छोड़ने हैं।
हैं, तो इन जुमलों के कारण हिंदू बर्बाद हुआ है भाई। तो बातों से आगे निकलिए। विंस्टन चर्चिल ने हमारे बारे में बताया था कि जितने दिनों में हिंदू कुछ नहीं, 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 पहले पहले वापस आइए, स्मृति ईरानी पे वापस आइए पहली चीज। दूसरी चीज क्रिकेट पे, क्रिकेट आपकी आपका क्षेत्र नहीं है कि पटाखे छोड़े नहीं छोड़े आपका क्षेत्र, लेकिन भारत की हार पर पाकिस्तान की जीत पर ये छुटते हुए पटाखे, ये मेरा क्षेत्र है। नहीं नहीं, हार जीत क्रिकेट की ये तो लगी रहेंगी। नहीं नहीं लगी रहेगी, खेल भावना क्योंकि दुश्मन के साथ नहीं खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए दुश्मन के साथ, नहीं खेलना चाहिए था। आज जो खेले उनके कारण पूरे हिंदू समाज के 100 करोड़ हिंदुओं का सर झुका, ये मेरा क्षेत्र है। नहीं नहीं, ये मेरा क्षेत्र है। सुनिए, जब शेख राशिद वहां बैठकर इसे इस्लाम की जीत बताता है तो मेरे जैसे एक सनातनी का सर झुक जाता है। अच्छा, मुझे शर्म आती है। अच्छा, मैंने पहले भी कल इंडिया जीत जाती तो आप पटाखे छोड़ देते? नहीं, मैं इंडिया जीत नहीं, पटाखे इस छोटी मोटी हार पर क्या। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया, हम पटाखे छोड़ते रहे, मोहम्मद गौरी जाकर तैयारी करता रहा। मैं उन इतिहासों से अच्छी तरह परिचित हूं, मैं जानता हूं कि इस्लाम को जब तक समूल विनाश नहीं कर दिया जाता, ये कैंसर है धरती का, इसके साथ कोई भी जीत अंतिम नहीं है। आज आप भारत देश में रहते हो, पहले आपने एक बारी भारत माता को ही बोला था कि मैं भारत माता को नहीं ही मानता, नहीं मानता। पहली चीज, प्रधानमंत्री को आप कायर बताते हो, ठीक है, अभी आपने बोला है प्रधानमंत्री को कायर बताते हो, और उसी देश में रह के सुरक्षित भी महसूस करते हो? नहीं, सुरक्षित मैं प्रधानमंत्री की वजह से सुरक्षित थोड़ी हूँ। हाँ। मैं तो सनातन की वजह से, माँ और महादेव की वजह से सुरक्षित हूँ। अगर सुरक्षित माहौल किसने दिया? कहाँ सुरक्षित माहौल, मेरे मंदिर में लोग हमलावर कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं। दिल्ली में जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है उसके बाद मेरा फोटो मिलता है, मंदिर का नक्शा मिलता है, मुझ पर गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी, काय का सुरक्षित? उन्होंने अपनी करनी में कोई कसर छोड़ रखी है तो बताओ ना। अच्छा, फिर आप पे मुकदमा होता है, फिर आप माफी मांग लेते हो? फिर किससे माफी मांग ली मैंने? आपने अभी माफी मांगी है? कभी भी माफी नहीं मांगी। देखिए सुनिए, मैंने एक बार जो महिलाओं के बारे में आपसे, जैसे आपसे मान लीजिए व्यक्तिगत बातें करने लगू, आपके ऑफ द कैमरा बातें करने लगू, वो भी मैं महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहा था, आरएसएस के नेताओं के बारे में बात कर रहा था, संघ के नेताओं के बारे में बात कर रहा था, उसमें कुछ महिलाओं को बुरा लगा तो मैंने कहा कि मैं अपनी बहन। आपने आरएसएस के नेताओं के बारे में ऑफ द कैमरा बात किया, मन में कहीं ना कहीं है आपके गलत? नहीं है ना, गलत बात नहीं है। अरे गलत भैया, हरी जी, गलत भावना नहीं है, वो सच है। आप कहो तो मैं दोबारा बोल दूं, वो सच है। लेकिन मैं अपनी बहन बेटियों से ये कह रहा था कि अगर उन्हें बात बुरी लगी तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। मतलब जो आरएसएस ने बलिदान दिया है, दे रहे हैं, आरएसएस ने जो बलिदान दिया, सुनिए, मैं उस मेरे गुरुजी स्वामी स्वर्गीय बीएल शर्मा प्रेम सिंह सेल जी, ये है आरएसएस। आरएसएस वो नहीं है जो सत्ता बनने के बाद ये बताने लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, वो आरएसएस नहीं है। आरएसएस वो है जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू राष्ट्र के लिए दे दिया, कभी कोई पद स्वीकार नहीं किया, पद आया तो ठोकरों में मार दिया, पूरे जीवन दो रोटी बड़ी मुश्किल से खाते रहे, लड़ते रहे धर्म के लिए। वे सत्ता के दलाल आरएसएस नहीं है जो कहीं से पद हथियाकर केवल सत्ताओं में बैठकर केवल औरतों का शोषण और अपने छोटे प्रचारकों का शोषण कर रहे हैं, उसे आरएसएस नहीं मानता मैं। आरएसएस के लिए मैं डॉक्टर हेडगवार को आरएसएस मानता हूं, मैं वीर सावरकर को आरएसएस मानता हूं, मैं नाथूराम गौडसे जी को आरएसएस मानता हूं, आदर्श है मेरे नाथूराम गौडसे जी, उनको आरएसएस मानता हूं। अब मैं इन दलालों को आरएसएस मान लूंगा क्या? एक मिनट, हत्यारा कोई भी हो, गौडसे हो तो फिर श्री राम को क्या कहेंगे? नहीं नहीं, भगवान श्री राम को क्या कहेंगे? हत्यारा हत्यारा, भगवान श्री कृष्ण को क्या कहेंगे हम? योगेश्वर को क्या कहेंगे? अर्जुन को क्या कहेंगे? भगवान परशुराम जी को क्या कहेंगे हम? अरे दुष्टों की हत्या करना, ये तो हमारे धर्म में सबसे बड़ा धर्म है। महात्मा गांधी दुष्ट थे? महात्मा गांधी दुष्ट नहीं था, हिंदुओं का सबसे बड़ा गद्दार था। दुष्ट शब्द तो बहुत छोटा है, मानव के इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार गांधी और नेहरू। अच्छा। जिनके कारण 100 करोड़ की कम्युनिटी के पास अच्छा। आज अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है। महाराज जी थोड़ा ठंडे हो जाएं आप, पहले तो आपकी ठंडा ही रहता, आपको ठंडा इसलिए कर रहा हूं मैं। आप देखिए, जिस हिंदुस्तान में रहते हैं वहां आप महात्मा गांधी को, मैं हिंदुस्तान में क्यों रहता हूँ, मैं भारतवर्ष में रहता हूँ और मैं पूरी धरती पर रहता हूं। मेरे धर्म का सिद्धांत पहले समझ लीजिए, माता चे पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा से भक्ताश्चे स्वदेशो भुवन त्रियम। आप किसी सीमा से नहीं बांध सकते। चलिए चलिए, एक बार बताइए, आपको कभी अफसोस होता है कि आपने कुछ गलत बोल दिया? नहीं, मैं गलत बोलता ही नहीं, नहीं मैं तो बोलता ही सही हूं। मैंने जिस चीज को सत्य माना, फिर आप पे अपने इतने मुकदमे याद है आपको? कितने हैं आप पे? मुकदमों को याद रखने की जरूरत क्या, सरकार याद रखती है। अब एसपी दे रहा है हमारे मुकदमों का हिसाब, यहाँ का एसएसपी दे रहा है मेरे मुकदमों का हिसाब, मुझे क्या जरूरत है याद रखने की? गुंडा एक्ट लग गया? गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी है। हाँ जी, तो आप क्या समझते हो, गुंडा एक्ट महात्मा पे गुंडा एक्ट लगना चाहिए?
सच बोलने के लिए तो लोगों को जहर दिया जाता है भाई। तो सच बोलने में डर लगता है? नहीं, कभी भी नहीं, नहीं कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, डर तो लगता ही नहीं, ना जेल जाने से डर लगता। सुनो एक बात हरी जी, मेरी बात याद रखना। जी, जी। आज नरसिंहानंद सरस्वती एक आदमी है, नरसिंहानंद गिरी, आज नरसिंहानंद गिरी एक आदमी है। मेरी हत्या के बाद नरसिंहानंद गिरी एक विचार होगा, एक विचारधारा होगी। नरसिंहानंद गिरी जो आज कह रहा है ना, वो एक व्यक्ति की बात है। कल जब मेरी हत्या हो जाएगी तो ये एक विचारधारा होगी। अरे क्यों, आज जेल से बाहर, आज जेल से बाहर मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। जब मैं कल जेल में बैठूंगा ना, जेल के एक कोने में सड़ूंगा, तो मैं क्रांति होऊंगा। हिंदुओं के बच्चों को पता चलेगा कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। मैं तो चाहता हूं मुझे जेल में गर्क कर दो, मैं तो चाहता हूं मेरी हत्या कर दो। दुनिया में मैं एक अकेला व्यक्ति हूं जो अपनी मौत से मिलने के लिए इतना तड़प रहा हूं। आपको नहीं लगता कहीं आप इलेक्शन में इस्तेमाल ना हो जाओ कहीं? अरे क्या, ये मुझे क्या इस्तेमाल करेंगे? ये मैं ही नहीं, धर्म के लिए एक ना एक दिन मैं मोदी के दिल में सनातन धर्म की अग्नि जगा कर रहूंगा। एक ना एक दिन मोदी जी जरूर सोचेंगे कि भाई तुमने गलत किया, सनातन धर्मियों ने तुम्हें इतना बड़ा ऐतिहासिक मौका दिया था, तुम धर्म के लिए बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया। एक दिन मैं अमित शाह को, प्रधानमंत्री का धर्म क्या है? प्रधानमंत्री का सनातन धर्म, हमने इसलिए तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। एक ही धर्म है उसका। और क्या, और क्या, और क्या, सनातन धर्म एक धर्म है उसका। और क्या, और क्या, उसे मुसलमान मानते हो आप? नहीं नहीं नहीं, तो फिर उसका धर्म एक है कि नहीं 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 नहीं, ये गलत अवधारणा है, ये झूठी अवधारणा है। इमरान खान का धर्म क्या है? इमरान खान मुस्लिम कंट्री का वो है, उसको छोड़ो। डोनाल्ड ट्रंप का धर्म क्या था? जो बाइडेन का धर्म क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति का धर्म क्या है? पुतिन का धर्म क्या? तुम दुनिया के अपवाद हो। हर देश के राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का अपना धर्म होता है जी। तुम क्या आप ये चाहते हो कि तुम्हारे प्रधानमंत्री का कोई धर्म ही ना हो? इस देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बना, कट्टर मुसलमान था, कट्टर मुसलमान। हामिद अंसारी जो है इस देश का उपराष्ट्रपति बना, कट्टर मुसलमान था। अच्छा, आप अपनी माँ के कितने बेटे हो? दो बेटे हैं। आपकी माँ आपसे कम प्रेम या ज्यादा प्रेम, या अपने दूसरे बेटे से कम, ज्यादा या कम प्रेम करती है? वो आपकी तरह वाणी नहीं बोलता है तो क्या उससे कम प्रेम हो जाएगा? इसका वाणी, इसका इससे क्या मतलब है? एक इससे मतलब सीधा सा, अगर मैं, सुनिए, मैं हूँ और मेरा भाई है, एक परिवार में हम दोनों हैं, मैं अपने परिवार की महिलाओं से बलात्कार करने लगूं, अपने परिवार की महिलाओं को बेचने लगूं, अपने परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने लगूं, मेरी माँ कहेगी, मेरी माँ कहेगी मेरे भाई से कि इसकी गर्दन उतार। और सनातन की नारियों ने यही किया। आपने मदर इंडिया पिक्चर देखी है ना? मदर इंडिया पिक्चर भारत की नारी का सही प्रतिनिधित्व करती थी। यदि बेटा भी जा रहा है दूसरे की बेटी को उठाने के लिए तो गोली मारना माँ का कर्तव्य है। हमारी वो भारतीय नारी होती है। अपने बेटे को, मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा था जी, एक अभिभावक की भूमिका, एक जब जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी पद पे बैठता है ना, उसके लिए सब समान हो जाते हैं। नहीं होते समान, अपराधी उसके लिए दंड का योग्य है। मुसलमानों को निकाल दें? नहीं, मुसलमानों को निकाल नहीं दे, उन्हें बताए कि तुम गलत हो, कुरान को बदल। अच्छा, दे, कुरान को खत्म। अच्छा, कर दे। मान लिया कि गलत है, अब क्या करें? अब गलत है तो उन्हें सही रास्ते पर लाओ। कैसे? सही रास्ते पर लाने के हजार तरीके हैं। एक तो सबसे पहले उनकी जनसंख्या की वृद्धि रोको, उन्हें बताओ आदमी बनो, सुअर बनने में फायदा नहीं है। सुअर बन के गंदगी तो फैलाओगे, क्या करोगे सुअर बन के? 15 बच्चे पैदा करके क्या होने वाला? एक बच्चा पैदा करो, दो बच्चे पैदा करो, जनसंख्या को मत बढ़ाओ। दूसरी बात भाई, इस कुरान को मत मानो, इसे फूंक दो। इस कुरान को मत मानो, इस कुरान में कुछ नहीं रखा, ये तुम्हें बलात्कार करना सिखाती है, तुम्हें अपराधी बनाती है। तो आप भी बोल रहे हो धर्म परिवर्तन उनका भी कर दिया जाए। धर्म परिवर्तन, कुरान देखिए, इस्लाम धर्म नहीं है। आप भी तो बोल रहे हो कुरान को आग लगा दो, ये सब कर दो, उनको बोलो हिंदुत्व सिखाओ, मस्जिदों को खत्म करो, मदरसे बंद करो, मस्जिदें खत्म करो, वहां अच्छे पूजा स्थल बनाओ जहां अच्छी बातें सिखाई जाती है। चलिए, एक एक आपका विचार जो आप हम पिछली बार भी मुझे कहा था कि मैं इंटरकास्ट मैरिज को बहुत प्रमोट करना चाहता हूं, प्रमोट करना विद इन हिंदू। चलिए आप इंटरकास्ट पे बोलिए, मेरे प्रश्न उसमें तैयार है। आप बोलिए, इंटरकास्ट मैरिज को आप बोल रहे हो कि हिंदुओं में इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपको पता है कि हमारी कितनी जातियों में एक दूसरी जाति में शादी नहीं करते? नहीं, ये मूर्खता है हिंदुओं की, ये मूर्खता है। तो उस 100 करोड़ लोगों की मूर्खता दूर नहीं कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? हमारे शिष्यों ने तो हमने कितनी इंटरकास्ट मैरिज करवाई है। देखिए हरी जी, आपके शिष्यों में ना, आपके शिष्यों में, क्योंकि आपके शिष्य आपकी बात मानते हैं, मान रहे हैं, तो हम धीरे धीरे दायरा बढ़ेगा। अब महामंडलेश्वर हमें इसीलिए तो बनाया है ताकि हम अपनी बात और बढ़ाएं। हमें हमारे गुरुजनों ने, हमारे वरिष्ठ जनों ने इसीलिए महामंडलेश्वर बनाया ताकि हम अपने विचार और फैलाएं। जातिवाद को तोड़ना, इस समय जातिवाद की बाधाओं को तोड़ना, ये हमारी सबसे बड़ी नियत, सबसे बड़ी हमारी जो है प्राथमिकता होनी चाहिए हर हिंदू की। हमें अपने बच्चों को आजादी देनी है। तुम अच्छा लड़का देखो, लड़की से कहना है तुम अच्छा लड़का देखो, अपनी मर्जी से कर सको शादी कर लो। लड़कों को भी आजादी देनी है, अच्छी बेटी देखो शादी कर लो। भाई
जाति के चक्कर में मत पड़ो, दहेज के चक्कर में मत पड़ो, जाति और दहेज। आपके मंदिर में कितनी जातियां आ सकती हैं आज के? सब आ सकती हैं, सब आ सकती हैं, एससी एसटी सब। ये देखिए, हम इसे मानते ही नहीं, हमारे यहाँ चाहे कोई भी जाति हो वो हमारा बेटा है, मार महादेव का बेटा है। और हमारे मंदिर में हमारे महंत बनने से पहले ये भेदभाव होता था, बहुत ज्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था। किसके टाइम पे होता था? गुरुजी के टाइम पे? नहीं नहीं, गुरुजी तो खैर यहाँ मंदिर में कभी नहीं रहे, ये तो गुरुजी तो राजनीतिक व्यक्ति थे, मैं इनका शिष्य हूँ और मैं आके इस मंदिर में रहूं। नहीं, हमसे पहले जो महंत थे वो भी भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन उस समय कुछ ऐसे व्यक्ति यहाँ सेवादार थे जो थोड़ा बहुत भेदभाव करते, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ जो भोले बाबा की मूर्ति है वो एक वाल्मीकि परिवार ने रखवाई, स्थापित करवाई है, महेंद्र वाल्मीकि नाम था उनका, उन्होंने स्थापित करवाई है। तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी था। हमारे आने के बाद तो ये बिल्कुल खत्म हो गया, किसी भी जाति का भेद इस मंदिर में बिल्कुल नहीं है, और अब किसी भी मंदिर में नहीं है भारत के। शायद कोई साउथ वाउथ में हो तो हमें पता नहीं, अब यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में तो किसी मंदिर में हमने जाति का भेद देखा नहीं, नहीं देखा। वैसे आजकल आप मॉडर्न बाबा बनने जा रहे हो, आपके आपकी फौज तैयार हो रही है, मैं अभी लेफ्ट राइट देख रहा था बाहर आपकी, कहीं ना कहीं आपने अपने अपने अंगरक्षक खुद तैयार कर। नहीं नहीं, अंगरक्षक नहीं, ये तो मैं भारत के लड़कों को बुला के आर्मी में जाने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा, आर्मी और पुलिस में। देखिए मैं अभी, अच्छा, जब दो नेता, जब दो अपोजिट वाले नेता जब बात करते हैं ना, तो उनसे पूछा जाए कि तुम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, तो वो बोलते कि हम लोग ना मतलब देश के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जबकि वो गठबंधन की चर्चा कर रहे होते थे। तो आपने भी कहीं ऐसे तो नहीं बोल दिया कि मैं इनको सेना में भेजूंगा? नहीं नहीं, देखिए सुनिए क्या है, अभी यहाँ एक आईपीएस आकाश पटेल नाम का, वो हमारे यहाँ है, उसने हमसे बहुत बदतमीजी की और हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। मुझे महसूस हुआ कि ये पुलिस वाले ऐसा काम क्यों करते हैं, क्योंकि वो हिंदू धर्म को जानते ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में, मैं सारे धर्माचार्यों से कहने वाला हूँ, पुलिस में और आर्मी में ऐसे लड़के हों जो अपने धर्म का सम्मान करते हैं। आज पुलिस वाला एक मौलाना को देखता है, डाली वाले मौलाना को, जबकि वो गाय खाकर आया होगा, बलात्कार करके आया होगा, मौलाना का ये तो काम है, गंदी बातें करके आया होगा, हलाला करके आया होगा, उसको सम्मान देता है। एक पुजारी जो अपने धर्म के लिए काम कर रहा है, मानवता के लिए काम कर रहा है, उसको हे दृष्टि। अच्छा, हिंदुओं में तो आजकल पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो गया, हम लोग भी हिंदू में लड़के, नए नए लड़के दाढ़ी रखने लगे हैं, तो कैसे पहचानोगे कि हिंदू है कि मुस्लिम है? हमें तो बहुत पहचान है हिंदू मुसलमान कैसे हम तो मुसलमान को सूंघ लेते हैं दूर से। अच्छा, हमें तो, हमारे तो लड़के बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में, इसलिए तो हम अभी तक कतल नहीं हुए। अगर हमें ये पहचान नहीं होती तो अभी तक मुसलमान हमारा कई बार कतल कर चुके होते, लेकिन हमें इसकी बहुत पहचान है, हम जानते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान, उसके हाव भाव क्या, उसमें बदबू कैसी आती है, हम इस मामले में एक्सपर्ट। ये देखिए, और फिर एक दिन धोखा खा जाएंगे, उस दिन मारे जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो हरीश भाई, हम तो आपको भी अपना बच्चा ही मानते हैं। जी जी, और हो भी आप सनातन धर्म की दृष्टि से आप भी हमारे बच्चे ही। जी बिल्कुल, ये दूसरी बात है कि अभी आप हमारी बातों को नहीं समझ, लेकिन वक्त आएगा जब आप हमारी बातों को समझोगे। जब मैं आपकी बातों को समझूं या ना समझूं, मेरा काम जो है इस टाइम, मेरा काम पंडित वाला इस टाइम, आपकी बात जनता तक पहुंचाना और उनकी बात आपके आपके तक पहुंचाना। काम बदलने में देर नहीं लगता, समय के साथ काम सब बदल जाएंगे, कोई इसमें बहुत टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और मैं आपकी बात, मैं आपके काम का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन परिभाषाएं बदलने में समय नहीं लगता। जिस दिन आप लोग सनातन धर्म को समझ जाओगे, जिस दिन आप लोग इस्लाम को समझ जाओगे, परिभाषाएं अपने आप बदल जाएंगी, बहुत कुछ बदलेगा। अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना हर व्यक्ति का दायित्व है, ये नरसिंहानंद की ड्यूटी नहीं है, ये हर व्यक्ति का दायित्व है। धीरे धीरे हिंदू इस बात को, देखिए जब हमने ये काम शुरू किया था और हम कुरान का सच बताते थे, हम ये बताते थे कि तुम्हें थूक का खाना देते हैं, जब हम ये बताते थे कि हर आदमी तुम्हें नपुंसकता की दवाई दे रहा है, तो हिंदू कोई भी मानते हैं मजाक उड़ाते थे, मैं कहते देखो क्या पागल है। मैंने ये बातें मस्जिदों में सुनी थी, मैंने ये बातें मदरसों में सुनी थी, वहां से मुझे इनकी स्ट्रेटेजी का पता था कि ये करते हैं। तो हरीश भैया, आज बहुत लोग मानने लगे, बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे जीते जी हो गया। ये तो झूठे संगठनों ने अगर हमें बहकाया नहीं होता, आरएसएस के लोग यदि अपने काम पर लगे रहे होते, सत्ताओं के चक्कर में न पड़कर हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ते, तो आज स्थिति कोई देश की दूसरी होती। लेकिन उनकी भी गलती नहीं थी, इतना लंबा संघर्ष, 100 साल के संघर्ष में भटकाव आ जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी किसी दिन आरएसएस में अच्छे लोग भी खड़े हो जाएंगे। जरूर आरएसएस में सब खराब नहीं है, भ्रष्ट कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो इनके प्रचारक हैं वो भ्रष्ट हैं क्योंकि पावर उनके पास है, ज्यादा से ज्यादा कुछ स्वयंसेवक भ्रष्ट हो गए होंगे, लेकिन आरएसएस करोड़ों लोगों का संगठन है, करोड़ों लोगों का संगठन है, जो केवल देश के लिए, धर्म के लिए आरएसएस में गए हैं किसी स्वार्थ से। नौजवान जब आरएस हिंदू संगठनों में जाता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि उसे जाकर किसी की दलाली करनी है, वो सोचता है कि कल को मुझे हिंदू राष्ट्र बनाने में योगदान देना है, वो इसके लिए जाता है आरएसएस में। तो ऐसे करोड़ों लोग हैं, एक दिन आरएसएस की कमान फिर सही लोगों के पास होगी। अच्छा, आपको मौका मिल जाए कि अभी आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपके फॉलोअर बहुत अच्छे हैं, आप भी टिकट लड़िए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं लड़ना। क्यों? आपका मुझे अभी भी मौका है, आज भी मौका है जी, आज भी बहुत दबाव डाला जा रहा है मुझ पे। कौन सी पार्टी से? उसी पार्टी से जिसको मैं गाली दे रहा हूँ।
बीजेपी से, बीजेपी बोलना चाह रहे हो उन्हीं लोगों से जिन्हें मैं गाली दे रहा हूँ, उन्हीं लोगों से, वो चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ से चुनाव लड़ूं, और बहुत 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 कोशिश हो रही है। तो इसका मतलब आप जितना भी बोलेंगे कड़वा कड़वा, वो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, वो उनमें कुछ लोग हैं। अच्छा, उनमें कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं। अब बताओ, प्रधानमंत्री तक को आपने बोल दिया, उनसे ऊपर कोई और है जो सपोर्ट कर रहा है? इसका मतलब प्रधानमंत्री से नीचे तो बहुत है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और देखो सुनो, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी, और आपको पता प्रधानमंत्री मेरी सारी बातें सुनते हैं, मेरी बातें प्रधानमंत्री तक सीधी पहुंचती हैं। प्रधानमंत्री भी जब मेरी बातें सुनते होंगे, तो ये अगर उनके अंदर कहीं भी मानवता है, तो वही समझते तो होंगे कि भारत में एक व्यक्ति है जो सच बोल रहा है, इसीलिए चुप है। इसीलिए चुप है? नहीं, चुप नहीं है, पता नहीं चुप है नहीं है। और उनके जैसे व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण नहीं हो सकता कि सच बोलने वाले एक व्यक्ति को कुचल दिया जाए। हो सकता है, देखिए वो अपने आप को विवेकानंद जी का फॉलोवर बताते हैं, और बताते हैं कि उन्होंने बड़ी साधना की है। तो साधना करने वाले आदमी में सहनशीलता आ जाती है, कम से कम व्यक्तिगत आलोचनाओं के प्रति। और धर्म के लिए जो लड़ना चाहते हैं उनमें तो ये बहुत। ये यू टर्न कैसे मारा आपने अभी अभी? कैसे? अभी अभी आपने कहा कि वो विवेकानंद के एक तरफ आपने उनको बिल्कुल ही देशद्रोही टाइप का भाषण दे रहे हैं, कायर बोल दिया, कायर कायर भारत के इतिहास के सबसे। ये यू टर्न कैसे, डर लगा आपको? नहीं नहीं, डर लगा कहीं ना कहीं, थोड़ा सा डर गया आप कहीं? जी जी सुनिए जी, अगर आप मेरा कत्ल भी कर देंगे हरीश जी, तो अभी आप हिंदू रहेंगे, तो अभी मेरे भाई है, शत्रु नहीं है मेरे। किसी भी कीमत पर आप मेरे शत्रु नहीं। मेरे शत्रु कौन है? शत्रु हैं वो जिन्होंने अपनी किताबों में हमारे कत्ल के लिए लिख रखा है। हर हिंदू के साथ मैं चाहता हूं कभी ना कभी हम मिल जाएं। एक आईपीएस अफसर थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, यादव थे, मेरठ के एसएसपी थे, वो यादव लिखते नहीं थे, लिखते वो कुछ और थे, अपने गाँव का नाम वगैरह था कुछ उनका, उसे लिखते थे, लेकिन वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मेरठ में उन्होंने हमारे कहने से एक दो अच्छे काम किए थे। जब उनका मेरठ से तबादला हुआ, तो मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि स्वामी जी एक दिन, आप बिल्कुल सही आदमी हो, सच्चे आदमी हो, एक दिन मेरे और आपके रास्ते मिल जाएंगे। तो हरीश जी, ये हर दिन मन में ये कामना रहती है कि एक ना एक दिन मेरे और इन नेताओं के रास्ते मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, एक दिन मेरे और इन नेताओं के रास्ते मिल जाएंगे। स्मृति ईरानी, दोबारा आऊंगा वहीं, क्योंकि आप बार बार उस मुद्दे को छोड़ देते हो। आपने या तो बोला क्यों, या तो माफी मांगोगे, या फिर बोलोगे भूलवश मुझसे उनका नाम ले लिया गया। देखिए राजनीति में जिन्होंने भी शॉर्टकट लिए, शॉर्टकट कैसे लिए, उन्होंने उनकी मेहनत दे उसमें, ठीक है, तो मेहनत है तो अच्छी बात है। वही आप बोलिए ना कि हाँ और सही है। आप देखिए, बात सुनिए, आप जिस पोजिशन पे हैं, मेरी बात सुनिए, आप जिस पोजीशन पे हैं, मैं चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से, मैं चाहूँगा कि वहाँ आप कुछ विचार अपने थोड़े से उनमें टर्न ले लीजिए, और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा आपके प्रति इच्छा। सुनिए सुनिए और सुनिए सुनिए, मैंने अपने जीवन के 9 साल यूरोप में काटे हैं। हाँ जी, मैं किसी भी महिला और पुरुष के संबंध पर आपत्ति नहीं करता, किसी भी महिला और पुरुष के संबंध पर आपत्ति नहीं करता, वो चाहे किसी के भी हो। लेकिन जब आप बहुत जिम्मेदार पदों पर होते हैं, तो केवल वो संबंध ही नहीं होने चाहिए, और भी बहुत कुछ होना चाहिए। तो मैं केवल इतना चाहता हूं कि धर्म के लिए भी कुछ हो। और भैया धर्म के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों पे है, उन्हें करने दीजिए, मेरे को मरने दीजिए, उन्हें करने दीजिए विचारों को, मुझे मरने दीजिए। मेरा रास्ता केवल और केवल बलिदान में। महिला कल्याण, महिला मतलब महिला कल्याण का उनके पास डिपार्टमेंट है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, है ना? तो महिलाओं का कल्याण हो रहा है ना, महिलाओं का क्या क्या कल्याण हुआ बताओ मुझे। कल्याण क्या, महिलाएं आप इतनी पिछड़ी है तभी तो बोलती है कि हमें 7 से 7 मिलाकर चलो, इसीलिए तो बोल रही है। तो वो महिलाओं से पूछो, देखो ये महिला बैठी हुई, इनसे पूछो उनके बारे में, मुझसे क्यों अटक गए, कुछ और मुसलमानों के बारे में। चलिए चलिए, कोई अटका नहीं आपका, मैं नहीं अटका, मैं अटको अटके में से निकालना चाह रहा हूं। मैं अटके में से निकला हुआ हूं। देखिए सुनिए, अच्छा, मैं स्मृति ईरानी को या नरेंद्र भाई मोदी जी को या किसी भी व्यक्ति को उसके संबंध के लिए नहीं वो करूंगा। देखिए वो पुराने जमाने के संबंध, किसी भी व्यक्ति का संबंध के लिए कोई गलत नहीं बताऊंगा, मेरा बिल्कुल इसमें वो नहीं। लेकिन अगर उन संबंधों की उसमें देश और धर्म प्रताड़ित होता हो, उसमें कहीं आड़े आते हो, तो ये जो है फिर ये चिंता का विषय हो जाता है। मैं तो देखिए एक बात बताता हूं आपको हरीश जी, भारत के विनाश में जो सबसे बड़ा हाथ है ना हिंदुओं के विनाश में, वो सीडीओ का हाथ है। पहले वीडियो कैसेटों का, चित्रों का, और अब सीडीओ का हाथ है। मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ रहता था, और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को पता नहीं कहां कहां से सूचनाएं और कहां कहां से सीडियां मिलती थी। उनके पास ऐसी ऐसी सीडियां हैं, ऐसी ऐसी सीडियां हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पास, कि अगर उन सीडियो को हिंदू देख ले तो हिंदू को अपने आप से नफरत हो जाए। और भैया मैं उनका नाम लेके कह रहा हूं,
डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ हमने बहुत उनके कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाए, उन्हें गाजियाबाद बुलाया, मेरठ बुलाया, मुजफ्फरनगर बुलाया, हरिद्वार बुलाया। सांस्कृतिक गौरव संस्थान संघ का ही एक आयाम है, उसमें काम करता था मैं। विश्व हिंदू परिषद का एक अंग है सांस्कृतिक गौरव संस्थान। जी बिल्कुल। अशोक सिंघल जी के छोटे भाई बीपी सिंघल जी जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं वो इसके अध्यक्ष थे, इसके प्रधान थे। इस हम लोगों ने मिलकर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ बहुत काम किया। ठीक है जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी से आप कभी व्यक्तिगत बात करके देखिए, आपको बहुत सारी, और उनके पास सबूत हैं, मतलब हवाई बातें कभी नहीं करते। इसीलिए राजनीति में जो उस व्यक्ति का दबाव है ना, वो किसी का दबाव है ही नहीं। ये हिंदुस्तान बर्बाद हो गया सीडीओ के चक्कर में। मैं ये कहता हूं कि आपने अगर कुछ गलत किया है, और इसे मैं गलत भी नहीं मानता, अनुचित भी नहीं मानता, उसके अपराध बोध से निकलो भाई। जो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है उसे पूरी करो। तुम आए थे पाकिस्तान को मजा चखाने के चक्कर में, आज वहां से मजा चख रहे हो, इस अपराध बोध से बाहर निकलो। दो दो सर्जिकल स्ट्राइक किए, खूब मजा चखा दिया। क्या हो गया यार, दो दो उनको चखा दिया उनको अच्छे से, इतने जितने, सुनिए, और आगे भी चखाते रहेंगे शांति के उसमें। चलो अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक से खुश हैं और भारत के इस्लामीकरण से आंख मूंदना चाहते हैं तो भाई आपका स्वागत। इस्लामीकरण से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा कि तो पाकिस्तान ने यहाँ एक एक अफसर को खरीद लिया, उनकी ISIS की पहुंच जो है प्रधानमंत्री के आवास तक हो गई, प्रधानमंत्री के आवास तक ISIS की पहुंच हो गई। आज RSS के नेता योगी आदित्यनाथ जी को जो है बिल्कुल डैमेज करना चाहते हैं, केवल ये पाकिस्तान का पैसा है, केवल पाकिस्तान का पैसा है। एक 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 इंद्रेश कुमार नाम का संघ का प्रचारक है, इंद्रेश कुमार नाम का, उसने 1,00,000 हिंदू लड़कियों की शादी जो है मुसलमानों से करवा दी, केवल इन सीडीओ के चक्कर में। क्या उस पर बोलूं ना, भारत में मेरे सिवा बता दो कौन बोल रहा है। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, लेकिन वो कहां बोल रहे हैं? इसीलिए तो महामंडलेश्वर बनाया आपको। वो बोल रहे हैं ड्राइंग रूम में बैठ के। हाँ जी, वो बोल रहे हैं ड्राइंग रूम में बैठ के। मैं बोल रहा हूँ ओपन में बैठ के, मैं ओपन में बोल रहा हूँ, आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो भैया कोई इंद्रेश कुमार से पूछने वाला है कि भाई तू RSS का प्रचारक, हिंदू राष्ट्र का प्रवर्तक, और तूने 1,00,000 हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमानों में कैसे करवा दी? ये आंकड़ा किसी और ने नहीं दिया है, RSS के ही एक पूर्व प्रचारक ने दिया जो संघ छोड़ चुका। नाम लीजिए। नाम नहीं लूंगा, उसकी जान को खतरा हो जाएगा। सब नरसिंहानंद नहीं है, मरवाने का अधिकार नहीं है मुझे लोगों को। मैं लोगों को अपने, अगर मैं ये काम एक बार करा था मुरारजी देसाई ने, पाकिस्तान में सारे रॉ के एजेंट मरवा दिए थे, मैं ये काम नहीं करूंगा। चलिए ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि नाम लेना, लेकिन सब जानते हैं कि कौन कौन है। आज RSS के अंदर एक बहुत बड़ा विचार मंथन हो रहा है। RSS में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं कि भाई नहीं, हम गलत जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को कुछ बनना है, जिन्हें किसी पद पर जाना है, जिन लोगों ने केवल ये देखा है कि भाई अब चलो जो भी है उसकी बातें क्या करनी, तो वो लोग जो है उन्हें छोड़ के बाकी जो राजनीति में रुचि रखते हैं थोड़ा बहुत। राजनीति में रुचि रखूंगा, योगी जी की राजनीति में मेरी रुचि है। मैं अगर इतना शांत और इतना चुप रहता हूं तो केवल योगी जी के कारण रहता हूं कि मेरी किसी एक्टिविटी से योगी जी को नुकसान ना हो। आम आदमी पार्टी आपके क्षेत्र में खूब अच्छे से पांव पसार रही है, मुस्लिम वोट चाहिए उनको। मैंने संजय सिंह जी का भी इंटरव्यू किया था, उनसे आपके बारे में भी पूछा, तो बहुत अच्छे अच्छे आप उनके इंटरव्यू में देख लीजिएगा। तो उन्होंने क्या क्या विचार रखे हमारे बारे में? आपके बारे में जो विचार थे उन महिलाओं के प्रति आपके विचार थे उन्होंने बताया। इसी तरह से आपके आम आदमी पार्टी इस तरह से आ रही है, हिंदुओं की पार्टी नहीं, हिंदुओं पर चाहिए मुसलमान वोट। तो आपकी रुचि, अगर आपकी अगर इस तरह की थोड़ी सी भी रुचि है तो आप उनको अवगत नहीं कराते लोगों को कि भैया ये हिंदू बोल के मुस्लिमों का वोट लेते हैं, या मुस्लिम बोल के या मुस्लिम नहीं है उसमें और फिर भी ये हिंदुओं को बलगरा लें, ऐसा कुछ ऐसा राजनीति में अगर आप यहाँ पर भी दखल अंदाजी करें तो थोड़ा सा समझ में आता है, एक योगी का धर्म समझ में आता है। देखिए मैं इन राजनीतिज्ञों को कुछ भी नहीं कहना चाहता, ये तो बड़े ज्ञानी है, हम तो महामंडलेश्वर छोटे से हैं, ये बड़े महामंडले, ये महिमा मंडित महामंडलेश्वर है। इन नेताओं को कुछ भी समझाना, हम तो अपने भाइयों को नहीं समझा पा रहे जिनके लिए जान दी हमने। बीजेपी में कम से कम 100 सांसद विधायक या पूर्व सांसद ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि नरसिंहानंद हमारे गुरु हैं, खुद बता देंगे, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु भी नहीं बताएंगे तो कह देंगे बड़े भाई हैं, हम उनसे बहुत प्रभावित हैं, ठीक है जी, ये बता देंगे। लेकिन अगर मुझे उनसे कोई काम पड़ जाए, मुझे काम, सबको पता कैसा काम पड़ते हैं भाई, कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया, बच्चों को छुड़ाने का कोई मामला हो गया, उसमें मैं उनसे कह दूं कि भाई साहब जरा ये काम कर दो, भैया जी ये काम कर दो, ये महाराज कैसी बात कर रहे हो, देखो ये तो हम तो ऐसे कमजोर लोगों से जिनके जीवन में अपने स्वार्थों के सिवा कुछ बचा ही नहीं, जिनके जीवन में अपने स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत हित क्या, वही बात है कि बात करते हैं अपने गठबंधन की, कहते हैं राष्ट्र पे बात कर रहे हैं, जिनके जीवन में व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत हितों के अलावा कुछ बचा ही नहीं, उनसे कोई भी बात करके क्या फायदा होने। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट आई, आपने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट आई, क्राइम रेट कम हुआ,
या क्रिमिनल्स रेडी लगाने लगे, जो योगी जी कह रहे हैं रेडी लगाने लगे हैं, काम करने लगे हैं, सब कुछ करने, यादवों की जब आती है यहाँ पर, तो उस टाइम पे क्या माहौल रहता है आपके हिसाब से? यादवों के पूरे वो तो भैया सुनो, सबको पता माहौल क्या रहता है, मजे आ जाते हैं पूरे गुंडे बदमाशों के, मुसलमानों के मजे आ जाते हैं सर हमारे घर में, उसमें तो हिंदू हैं, यादव तो हिंदू हैं, यादव हिंदू है तो इससे क्या हुआ? वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फिर वहां पर क्यों नहीं होता, वहां पर वो मुस्लिम आपका आप क्या बोलते हैं, मुस्लिमों के मजे आ जाते हैं, यादवों के मजे आ जाते हैं, तो हिंदू भी उसी तरह से? नहीं, यादवों के मजे नहीं आते, गुंडे बदमाशों के मजे आ जाते हैं। जो मुलायम सिंह परिवार, एक परिवार की बात है, वो परिवार देखिए सबको पता है, मुलायम सिंह यादव जी जो है अपने क्षेत्र के जाने माने दबंग व्यक्ति थे, उनके भाई शिवपाल यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जी, सबको पता है। तो उनके टाइम में जो उनके साथी हैं वो पूरे खुल खल के खेलते हैं, पूरे मजे आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये सबको पता है, इसमें कोई, इसमें क्या बात है, ये तो सबको पता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मतलब वहां पर भी आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट तो देखिए सुनिए, अच्छा कांग्रेस आती है तो फिर कैसा हो जाता है? कांग्रेस तो कांग्रेस है भाई। नेहरू परिवार, गांधी परिवार, देखिए नेहरू और गांधी परिवार जी, पहली बात तो नेहरू परिवार का तो मुझे पता नहीं कि क्या है, गांधी परिवार तो कोई है नहीं, गांधी का तो कोई भी आदमी राजनीति में, एक बार मुझे लगता है राजमोहन गांधी शायद आया था राजनीति में, फिर वो भी वापस चला गया हार हूर के। बाकी गांधी थे, देखिए गांधी जैसे गद्दारों के परिवारों को तो कभी होना ही नहीं चाहिए। गांधी तो ये जो है, हिंदुओं को इतनी घृणा इस गांधी नाम से होनी चाहिए थी कि ये समय में हिंदुस्तान से खत्म होना चाहिए था, लेकिन ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। हिंदू 1 करोड़ व्यक्तियों का डायरेक्ट, हमारे लोगों का डायरेक्ट हत्यारा था गांधी, लेकिन आज भी हिंदू उस नाम से चिपके हुए हैं। ये हिंदुओं की आत्मगौरव विहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण है। टिकट पक्का लग रहा है आपका कहीं ना कहीं से? मुझे टिकट की जरूरत, अगर टिकट कभी मिले ना, अगर मैंने टिकट ले लिया तो अरे एक काम करना, मेरे पे थूकना आ जाना, टिकट नहीं लूंगा मैं, तो पूरा राष्ट्र बनाऊंगा, सनातन वैदिक राष्ट्र बनाऊंगा। तो उसके लिए राजनीति में उतरना पड़ेगा? नहीं, राजनीति मेरे बच्चे उतरेंगे ना, हमने पहले भी तो यही कहा है, नरेंद्र मोदी जी को हमने अपना व्यक्ति समझ के तो हमने उनके लिए खून पसीना बहाया, योगी जी के लिए हमने जो सबसे ज्यादा कैंपेनिंग हमने की पब्लिक में, जितनी कैंपेनिंग योगी जी के लिए हमने की, मुलायम सिंह की, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो राजनीतिक हिस्सा है ना, फिर आपने कैंपेनिंग कर दी, हिस्सा है उसका? नहीं, हिस्सा नहीं है हम उसके। अगर कल को हमें लगा हजीज हमारा बच्चा है, इसको सांसद बनने से सनातन को फायदा होगा, हम सबसे कहेंगे भाई इसे सांसद बनाओ। जिस व्यक्ति से हमें लगेगा कि ये व्यक्ति अगर सांसद बना, ये व्यक्ति विधायक बना, हमारी ताकत बढ़ेगी, हम उसके लिए कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? हम तो हमेशा सब मदद करते हैं, यहाँ भी चुनाव आएगा देख लेना कितने नेता यहाँ पे आएंगे हमसे मदद मांगने, हम तो मदद करेंगे अपने लोगों की, मदद क्यों ना। हाँ, लेकिन हमें खुद कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। हमारे 3 लक्ष्य हैं, एक तो पूरी दुनिया में विश्व धर्म संसद की स्थापना करना, विश्व धर्म संसद की स्थापना करना ये हमारा पहला लक्ष्य है, विश्व धर्म संसद जो पूरी दुनिया के काफिरों को इस्लाम के जिहाद के खिलाफ एक करती हो। ये 200 करोड़ हो गया राक्षस पूरी दुनिया में, ये पूरी दुनिया को तबाह करेंगे। इस्लाम के जिहाद की लड़ाई हर घर तक पहुंचने वाली है, ना अमेरिका सुरक्षित बचेगा, ना जापान सुरक्षित बचेगा, ना यूरोप सुरक्षित बचेगा। दूसरा मेरा लक्ष्य है सनातन वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करना। हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीयां हैं जहां जो है हमें इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, मेडिसिन पढ़ाई जाती है, कॉमर्स पढ़ाया जाता है, आर्ट पढ़ाया जाती है, लिटरेचर पढ़ाई जाती है। आज हमें एक विश्वविद्यालय की जरूरत है जो हमें हमारा धर्म सिखाए। यंग जनरेशन को बदलना ही तो मुश्किल है, वो तो लास्ट में बताऊं क्या बोलते हैं महाराज जी, चिल। नहीं, और फिर एक जो है जो अल्टीमेट लक्ष्य है हमारा वो है सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना करना। जैसे यहूदियों का एक इजराइल है, ऐसे हिंदुओं के पास अपना एक देश होना चाहिए। ये हमारे तो लक्ष्य बिल्कुल सीधे हैं महाराज जी। जी आप, मैं आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लिख के लाया था, पर आपके जवाबों में ही प्रश्न मुझे मिल जाते हैं हमेशा जी, है ना। आप क्या बैलेंस करना चाह रहे हो, सृष्टि को बैलेंस करना चाह रहे हो, सनातन धर्म को बैलेंस करना चाह रहे हो? सृष्टि और सनातन धर्म और सृष्टि एक दूसरे के समानार्थक है, इनमें कहीं भी विरोधाभास नहीं है। आपको धर्म बचाना है, मानवता और धर्म दोनों, मानवता और धर्म बचाना। अगर मैं बोलूं धर्म बचाना है तो उसके लिए आपको हथियार उठाना पड़ता है। हाँ, हथियार बिल्कुल, ये तो है ही। संस्कृति बचानी है तो आपको संस्कार उठाने पड़ेंगे, वो भी हथियार उठा के बचती है संस्कृति, अभी हथियार संस्कृति संस्कार नहीं, संस्कार तो देखिए आप सबसे पहले हमारे संस्कृति का एक प्रमुख अंग है हथियार। हमारे यहाँ कहीं भी ये नहीं कहा कि दीनहीन भिखारी बनो, सब कुछ औरतों को राक्षसों को देकर मर जाओ, ऐसा नहीं कहा गया था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो संस्कार में देखिए केवल जो आदमी शारीरिक रूप से सक्षम है
वही अच्छे संस्कार दे सकता है, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है वो कहीं से भी अच्छे संस्कार नहीं दे सकता। बलिष्ठ हमारे यहाँ भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण आते हैं तो वो सुदर्शन चक्र का संधान करते हैं, भगवान राम आते हैं वो धनुष बाण का संधान करते हैं, बाबा परशुराम फरसे का करते हैं। हमारा तो धर्म ही इन लोग तीन लोगों को धर्म से निकाल दीजिए, आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को निकाल दीजिए, योगेश्वर श्री कृष्ण को निकाल दीजिए, बाबा परशुराम जी को निकाल दीजिए, फिर आपके पास धर्म में है क्या। मैं इन तीन लोगों को देखिए, जो जिस रास्ते पर हमारे महापुरुष गए हैं, महाजनो येन गते से पंथा तर्को है प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासो मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गते से पंथा। अच्छा महाराज जी घर जाते हैं, आप अपने परिवार में जाते हैं? काहे नहीं जाते हैं भाई, कब कब जाते हैं? कभी बहुत कम जाते हैं लेकिन चले जाते हैं। चले जाते हैं, घर में क्या बोलते हैं? पिताजी आप थोड़ा, पिताजी या भाई? पिताजी हमारे, जब से हमने संन्यास लिया हमारे पिताजी से आज तक हमारी बात नहीं हुई, माता हमारी चली गई है, माँ के इस लोक से जाने के बाद ही हमने संन्यास। तो वो लोग डरते हैं आपके लिए? क्यों डरेंगे भाई, अरे आप उनके पुत्र हो, माँ चाहे कैसे भी हो या भाई कैसे, भाई कैसे भी हो, अपने भाई भाई कैसे भी हो, अपने परिवार के लिए डर तो लगता है ना, आपको अपने लिए डर नहीं लगता, उनके लिए तो आपको कभी डर लगता होगा। सुनिए, मैं मेरी जब से मैंने संन्यास लिया है मेरे पिताजी से मेरी कभी बात नहीं हुई बैठ के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिताजी को डरना चाहिए, जब बेटा ही नहीं डर रहा तो पिताजी क्यों डरे, और अब तो मैं उनका बेटा भी नहीं रहा, अब तो मैंने संन्यास ले लिया तो कोई मैं तो सबका हूँ। तो उनकी सुरक्षा भी है कहीं पे? नहीं कोई सुरक्षा, सुरक्षा मेरी नहीं है यार, उनकी कहाँ से होगी हरीश भाई, ये तो मेरे, तो मेरे अपने बच्चे हैं। तो आपको, आपको नहीं लगता कि आप जिस तरह से बेबाकी से बात करते हो आपका परिवार कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा? मेरे परिवार की तरफ अगर इन्होंने देख भी लिया ना तो इतना मुश्किल पड़ेगा इन्हें, इतना मुश्किल पड़ेगा, जो बातें मैं जुबान से, अगर मेरे एक किसी व्यक्ति को भी उंगली लगा मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि एक डर बोलते हैं ना, मुझे अपने लिए डर नहीं है पर मैं अपने परिवार के लिए डर, नहीं तो परिवार के लिए डर करके तो क्या उन्हें मरवा दूं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ, उनकी योजना है सबको मारने की, ये फिल्म हिंदी फिल्मों में देखते थे बचपन। तो अपने परिवार को इधर क्यों नहीं ले आते, सुरक्षित स्थान पे क्यों नहीं रखते आप? नहीं नहीं परिवार को, यहाँ मैं सन्यासी हूँ, परिवार को क्यों रखना, सन्यास भी ये सब परिवार के हिस्सा तो है आपके यहाँ, देख लेंगे, चलो आगे देखा जाए। चलिए पंडित जी, चलिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत बेबाकी से मजा आता है आपका इंटरव्यू करने में, आप हमेशा बेबाकी से जवाब देते हैं, फिर कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी फिर हम आपके पास फिर पहुंचेंगे, भगवान ना करे। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी मेरा बलिदान हो और आप मेरे ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाओ। सुनिए जी, मेरा बलिदान सनातन के लिए शुभ होगा, मेरा बहता हुआ खून मेरे नौजवानों को रास्ता दिखाएगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और जब धर्म के महापुरुष अपना बलिदान देने से डरते हैं तो धर्म समाप्त हो जाता है। हिंदुओं में कुछ समय से ये कायरता आई है, इस कायरता को निकालने के लिए ही जूना अखाड़े ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मुझे उन्होंने बलिदान के लिए बुलाया, मेरे गुरु जी हैं हरिगिरी जी महाराज, नारायण गिरी जी महाराज, प्रेम गिरी जी महाराज, उन्होंने मुझे वहाँ बलिदान देने के लिए बुलाया है ताकि मैं मरूँ शेर की तरह, मरूँ दिलेर की तरह। अभी आपको बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ करने के लिए हरीश है ना, नहीं अभी आपको बहुत कुछ करना है, हरीश हमारा, मेरी क्या जिम्मेदारी है? सुनो सुनो, इस्लाम से जितना मेरे बच्चों को खतरा था, प्रश्न आपकी तरफ चलते रहेंगे, इस्लाम से जितना मेरे बच्चों को खतरा था हरीश, उतना ही खतरा तुम्हारे परिवार को भी है, ठीक है? मेरा मेरे बच्चों को हो सकता कम खतरा हो, क्योंकि मैं तो कई पीढ़ियों से, हम तो बंदूक लेकर जीने वाले लोग हैं, कई पीढ़ियों से हमारे, हम तो हथियार उठा के जीने वाले लोग हैं। आप बड़े पढ़े लिखे और सभ्य लगते हो, जितने सभ्य होते हैं ना हिंदू उतने ही कमजोर होते हैं, तो हम तो कभी भी सभ्य थे नहीं, हम तो हमेशा असभ्य लोगों में से थे, हमारा तो परिवार का बैकग्राउंड है लड़ने की, मरने की, कटने की, तो हम तो फिर भी बहुत कुछ सुरक्षित थे, लेकिन जितने आप लोग सभ्य लोग हैं, जितने फ्लैट कल्चर में रहने वाले लोग हैं, आप लोग बहुत असुरक्षित हैं, इसलिए आप मेरी चिंता छोड़कर अपने परिवार की चिंता करिए, क्योंकि इस्लाम का जिहाद, उसके लिए मैं जितना काफिर हूँ उससे ज़्यादा काफिर आप हो, क्योंकि ताकतवर के सामने इस्लाम झुक जाता है। इस्लाम की एक बहुत बड़ी खूबी है, इस्लाम ताकतवर के सामने झुक जाता है, और जो उसके सामने कमजोर पड़ता है उसे बहुत क्रूरता से मारता है। तो मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करता हूं, कहीं भी कमजोर पड़ जाना, इस्लाम के सामने कमजोर मत पड़ना। अगर तुम इस्लाम के सामने दीनहीन बने तो तुम्हारा और तुम्हारी औलादों का इतना बुरा कत्ल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। चलिए यति महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यति महाराज जी ऐसे ही रहेंगे, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा उनको कुछ ना कुछ बदलने की, पर मैं बदल नहीं पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखते रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया, इसी तरह से हम आपको और भी कई महाराज से मिलाते रहेंगे, महामंडलेश्वर से मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री का धर्म क्या है? नारी का सम्मान। स्मृति ईरानी जी को आपने क्या कहा? और प्रधानमंत्री पे कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। भारत के इतिहास का सबसे कायर प्रधानमंत्री। आरएसएस वो नहीं है जो सत्ता बनने के बाद
ये बताने लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है। आदर्श है मेरे नाथूराम गोडसे जी। हत्यारा कोई भी हो, गोडसे हो। अरे दुष्टों की हत्या करना। महाराज जी थोड़ा ठंडे हो जाएं आप पहले तो।